आज एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी में श्री ललित मोहन जोशी जी अध्यक्ष मानवाधिकार संरक्षण एवं भ्रष्टाचार निरोधक समिति ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, एक वर्कशॉप थी उनकी। आज की डेट में समाज में युवा पीढ़ी किस प्रकार से पथभ्रष्ट हो रही है, उनको मोटिवेशन देने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, कम्प्लीटली सक्सेसफुल। वास्तव में आज इसी प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है जिससे भटकती हुई युवा पीढ़ी को सही रास्ते पर लाया जा सके। इस संबंध में मैं अपने संदेश के रूप में समाज की युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगी कि हमारा देश जो प्राचीन काल से ही एक देवभूमि के रूप में जाना जाता है और पूरे विश्व का विश्व गुरु रहा है, आज आवश्यकता है कि युवा पीढ़ी एक बार फिर से सक्रिय रूप से उस सिंहासन पर उसे आसीन करे और उसके लिए एक सक्रिय, जागरूक और नैतिक रूप से सबल युवा पीढ़ी की हमें आवश्यकता है। हम जहाँ पर भी रहें, जिस भी जगह पर हम अपना कार्यक्षेत्र जिसको बनाएं, वहीं पर रहते हुए यदि हम ईमानदारी से स्वयं के प्रति सजग रहते हुए, स्वयं को आगे बढ़ाते हुए अपने समाज को साथ में लेकर चलें, तो इससे बड़ी देशभक्ति और कुछ नहीं हो सकती। वास्तव में भारत को आज इसी प्रकार की युवा पीढ़ी की आवश्यकता है। हम जहाँ पर भी रहें, देशभक्ति दिखाने के लिए बॉर्डर पर जाना ही जरूरी नहीं है, सेना है उस कार्य को करने के लिए। एक नैतिक रूप से जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जहाँ पर भी हम रहें, अपने कार्यक्षेत्र को ही कर्मभूमि मानते हुए पूरी निष्ठा और लगन के साथ स्वयं को आगे लेते हुए समाज को साथ में लें। और यही चीज़ इस हमारे देश भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु के स्तर पर ले जाएगी। और इस प्रकार के कार्यक्रम में मुझे पूरा विश्वास है कि ये इस तरह के मोटिवेशनल प्रोग्राम निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को इंस्पायर करेंगे, भटकती हुई युवा पीढ़ी को सही दिशा में लाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। श्री ललित मोहन जोशी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छा। और हम चाहेंगे लगभग हर विद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि हमारा युवा भटकने से बचा रहे।